लेट स्टार्ट पार्ट डी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन. रुपीज 8,000 फॉर वन ईयर एट 9% कंपाउंड हाफ ईयरली. जो पिछला सम था वो हमने किया था कंपाउंड एनुअली, अब हम करेंगे कंपाउंड हाफ ईयरली. तो हेयर प्रिंसिपल इज 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%. तो हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड. तो ये बन गया 9/2%. और टाइम दिया है वन ईयर, और टाइम को हम क्या करते हैं, डबल मींस 2 से मल्टीप्लाई. तो ये आ गया 1 × 2 इज इक्वल टू 2 पीरियड. फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला सेम आएगा. अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज पावर n मींस टाइम. नाउ पुट द वैल्यू. प्रिंसिपल दिया है 8,000 ब्रैकेट 1 + 9/2 × 100 होल पावर स्क्वायर. देन 8,000 1 + 9/200 पावर होल स्क्वायर. यहां पे हमने इसका एलसीएम लिया, ये बन गया 209/200 पावर होल स्क्वायर. तो ये आ गया 8,000 × 209/200 × 209/200. इन सब को सॉल्व किया तो अमाउंट हमारी आ गई रुपीज 8,736.20. बट हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी मींस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों को माइनस किया तो ये आ गया रुपीज 736.20. अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंड एनुअली मींस ईयरली. व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन. उसने बोला कि आपने कैसे उसकी अमाउंट निकालनी है कंपाउंड एनुअली मींस साल की. तो उसने 2 years और 4 months में उसके जो पेमेंट है वो क्या है, क्लियर की है. तो पहले हम 2 years का जो है अमाउंट निकालेंगे कंपाउंड एनुअली से, उसके बाद 4 months का अमाउंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो लेट स्टार्ट. हेयर प्रिंसिपल दिया आपको 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम 2 years. तो फॉर्मूला लगाया प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज पावर टी या एन. नाउ पुट द वैल्यू. वैल्यू पुट की तो ये लास्ट में आपका आ गया अमाउंट इज इक्वल टू 26,400 × 115/100. इसको कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया 34,914. अब हमने निकालना नेक्स्ट 4 months का जो उसने इंटरेस्ट पे किया. तो देखो, तो ये जो आपका अमाउंट आया आफ्टर 2 years, तो ये जो 4 months के लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल. नाउ 34,914 एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 years 4 months. ओके, तो अब प्रिंसिपल आपका आ गया 34,914, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम 15, और टाइम क्या आ गया 4 months. तो इसके लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट यूज करना. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100. वैल्यू पुट की तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,745.70, राइट. बट अब हमें क्या निकालना है कि उसने कितना अमाउंट पे किया अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए. तो टोटल अमाउंट क्या आएगी, जो आपका अमाउंट ये प्रिंसिपल है ये वाला प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट ये वाला, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस. तो ये आपका आ गया रुपीज 36,659.70. तो इतने पैसे उसने दिए 2 years और 4 months के बाद अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फातिमा बोरोज रुपीज 12,500 एट द रेट ऑफ 12% per annum फॉर 3 years एट द सिंपल इंटरेस्ट. इसने जो पैसे उसने बोरो किए वो किस पे किए, सिंपल इंटरेस्ट पे. एंड राधा बोरो सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% per annum. जो राधा है उसने 10% इंटरेस्ट पे सेम पैसे लिए, बट कैसे लिए, कंपाउंड एनुअली. आपने बताना हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच, किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया. ठीक है, अब देखो फॉबिना है, फॉबिना का ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे पैसे,
तो प्रिंसिपल आपका आ गया 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई ट्री ओवर 100, वैल्यू पुट करी तो उसका इंटरेस्ट आ गया ₹45,000। तो इतना इंटरेस्ट जो है वो फॉबिना क्या कर रही है, पे कर रही है, राइट। अब इन द केस ऑफ राधा, राधा ने उतने पैसे लिए बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% और टाइम पीरियड कितना था 3 इयर्स, और उसने कैसे लिया था कंपाउंड एनुअली। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन, वैल्यू पुट करी तो ये आ गया अमाउंट इज इक्वल टू 12,500 ब्रैकेट 1 प्लस 10 ओवर 100 पावर क्यूब। तो ये आपका आ गया 12,500 इज इक्वल मल्टीप्लाई 110 ओवर 100 की पावर होल क्यूब। तो यहां पे हमने क्या लिया था एलसीएम, तो ये आपका आ गया 12,500 मल्टीप्लाई 110 ओवर 100, 110 ओवर 100, 110 ओवर 100। तो इसको कैलकुलेट किया तो यहां अमाउंट उसकी आ गई 16,637.50। बट हमने क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों को माइनस करके उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 4,137.50 रुपीज। अब उसने पूछा कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। देखो फॉबिना जो है उसने मोर इंटरेस्ट पे किया, और कितना, दोनों को माइनस कर दो तो कितना इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रही है, वो रुपीज 362.50। थैंक यू।